शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम हमेशा इस बात से दुखी थे कि इस घर में औलाद का चिराग नहीं रोशन हो सकता। चिराग रोशन हो सकता है, यहाँ भी फूल खिल सकते हैं, खुशियां महक सकती हैं, अगर अगर तुम मेरी गुजरी हुई जिंदगी के एक हादसे को माफ कर सको अविनाश। माफ? अब ये कौन सी नई चाल है? ये चाल नहीं, सच्चाई है, एक बोझ है जिसके नीचे हमेशा मेरी आत्मा तड़पती रही। कई बार सोचा तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर नहीं बता सकी। आखिर मैं औरत हूं, कमजोर हूं, डरती रही कि ये सच्चाई बताकर कहीं तुम्हें खो ना बैठूं। जो तुम्हें खोना था वो तुम खो चुकी हो कुंती, लेकिन जो मैंने अब पाया है उसे खोना नहीं चाहती। क्योंकि शादी से पहले अनजाने में एक भूल हुई थी मुझसे, उसी भूल की संतान है, मैं उसकी माँ हूँ, मुन्मुन मेरी बेटी है और तुम मेरे पति। हाथ में कलम पकड़कर लकीरें खींच देने से क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? नहीं कुंती, नहीं। कुंती, इस घर में चिराग जलाने के बाद कहां जा रही हो? तुमने तो आज मुन्मुन को बेटी माना है, मगर हमने तो उसी दिन मान लिया था जिस दिन हमें सच्चाई का पता चला था। Thank you.
अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, पर तेरी सहेली कार लेके पहुँचे तब ना। ले मुंह मीठा कर ले। छह तो यही बज रहे, देर हो रही है माँ। आते ही होंगे, तुम पागल क्यों हो रही है? पागल होने की तो बात है माँ, तुम्हारे मुनमुन बिटिया को गोल्ड मेडल जो मिल रहा है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे मुनमुन। मुनमुन आगे। मुनमुन क्या देर हो रही है? हेलो भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते। आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, लेट्स गो। चलो। मैं मोतीलाल एजुकेशनल ट्रस्ट के मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुजार जिन्होंने आज के अवार्ड फंक्शन में मुझे शिरकत की दावत दी है। मैं अपनी तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से गोल्ड और सिल्वर मेडल पाने वाले स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मिस मुनमुन धवन जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला इनाम यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्हें स्टेज पे आने की दावत देता हूं। नमस्ते। मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। भूल गई मैं। ओह, अगर वो डायरी मुनमुन के हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ भी नहीं है। न मालूम कहाँ चली गई। माँ तुम बीच में उठकर क्यों चली आई? तू आ गई, तू जा, जा, तू फंक्शन पे जा। कहाँ रख के भूल गई? कहाँ गई? मिलती नहीं है। क्या नहीं मिलती? क्या कहाँ रख दी? डायरी। कैसी डायरी? किसकी डायरी? मेरी डायरी। तूने तो नहीं उठाई? नहीं तो? लेकिन क्या है इस डायरी में? कुछ भी हो वो तेरे लिए नहीं है। तू मत पढ़ना, तू मत पढ़ना उसे, तू मत पढ़ना। अच्छा माँ मैं नहीं पढ़ूंगी। मगर तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो कितना पसीना आ गया है। डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था? आराम करने को कहा था ना? अब तुम हो कि बस। नहीं मुनमुन, तू नहीं समझती उस डायरी का मिलना कितना जरूरी है। वो डायरी मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। वो नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ, कहाँ गई होगी? यही कहीं पड़ी होगी, मैं ढूंढ लेती हूँ। तुम आराम करो। मैं कैसे बताऊँ? वो नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? मैं कैसे बताऊँ? अरे मैं ला देती हूँ, तुम आराम कर लेना। दे, मैं ला देती। मुझे दे, मुझे दे ना। तू मत पढ़ना, ना, तू मत पढ़ना उसे। दे, मुझे दे दे। लो माँ, लो। इसे ये तेरे लिए नहीं है। इसे जला दे इसे, मत पढ़ना इसे, जला दे। इतनी बड़ी गलती अगर मैंने की होती और मुन्नू मेरी कोख से पैदा हुई होती तो मैं मुन्नू से जरूर माफी मांग लेती। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई कुंती? आखिर तो तुम मुन्नू की माँ हो। मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं किसी और की बेटी नहीं हो सकती। कुंती क्या कोई अपने संतान को इस तरह भुला सकता है? मैं तो सोचती थी तू अनिल को प्यार करती है, उसी से शादी करेगी, पर उस दिन जो कुछ तूने अपनी सहेलियों के बीच कहा। हाय हाय कुंती,
अरे यार कितनी देर लगा दी। क्या करूं, टेलर ने धोखा दिया, नई ड्रेस लेने गई थी। कैसी लगती है? मैं भी गुड। अरे कुंती, तेरा वो शायर कब से तेरी राह देख रहा है। मेरा शायर? हाँ। कुंती, अनिल की बातों से लगता है यार कि वो मर मिटा है तुम पर। तेरा दिमाग खराब है? क्यों, तू अनिल से शादी नहीं करेगी? शादी और शायर से? अरे वो मुझे क्या दे सकता है, भूख प्यास? मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो बस पति ही पति हो, यानी कि लखपति, करोड़पति, अरबपति, जिसके पास नौकर चाकर हो, बंगले हो, मोटरे हो, जो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दे सकता है, ढेर सारे जेवर दे सकता है। लेकिन उसकी शायरी तो तुम बड़े मजे लेकर सुनती हो। अरे यार, शायर की शायरी का मजा लेने के लिए थोड़ा सा नाटक तो करना ही पड़ता है। क्यों, हो जाए थोड़ा सा नाटक, बुलाओ उसे, शायरी की महफिल जमा दे। लो अभी बुलाती हूँ, देखो क्या चुटकियां लेती हूँ। जनाब अनिल साहब, आधा वर्ष है, कैसे मिजाज है आपके? कुछ इस तरह से यार ने पूछा मेरा मिजाज, कहना पड़ा शुक्र है परवरदिगार का। क्या शेर है! बस आपकी इसी अदा के तो दीवाने हैं हुजूर। एक और हो जाए, कुछ फड़पता हुआ शेर। आया हूँ बड़ी दूर से सुन के तुम्हारे पास, कहते हैं दर्द दिल की दवा है तुम्हारे पास। एक आखिरी मेरे लिए। हो जाए हुजूर, हो जाए, इनकी खातिर एक शेर और हो जाए। खोया हो कहीं और तो ढूंढूं भी अपना दिल, कहते हैं सब यही कि छुपा है तुम्हारे पास। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे पानी लाना। अरे यार तूने तो डरा ही दिया। हाँ यार, तस्वीर डरा ही दिया। नहीं, सुबह पानी मैं लेके आई थी, सारा पानी खत्म हो गया। अब तू जा नदी के पार और पानी लेके आ। मैं क्यों जाऊँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तू चल मेरे साथ। अरे मेरे साथ क्या मजा आएगा, अपनी शायर को ले जा, खूब गुजरे की जब मिल बैठे की दीवाने दो। चल अनिल, हम ही चलते हैं, ये सारे हमसे जलते हैं, हम नदी के पार चलते हैं, चलो। जी देखिए, हम नदी पार आए थे और इस आंधी तूफान में हमारी नाव बह गई है। अरे इसमें परेशानी क्या बात है? परेशानी की तो बात है, हमें आपकी नाव में उस पार पहुंचा दीजिए ना। अरे ऐसा कैसा होगा, आज हमारा बेटे का शादी बनाया है और शादी के मौके पे गेस्ट आया है और गेस्ट भगवान भेजता है, यू नो भगवान गॉड। शादी की बहुत बहुत बधाई, लेकिन हमारा उस पार पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा कैसा होगा बेबी, नाव वाला सब बेवड़ा बिगड़ सो गया है और फिर नदी में तूफान, खतरा, यू नो खतरा, डेंजर डेंजर, मगर तुम्हें घबराने कोई जरूरत नहीं, आज रात को इधर और कल सुबह मैं छोड़ने को आऊंगा उधर। मारिया मारिया, अरे बेबी नदी से कुड़कुड़ता है रे, अरे कपड़ा दो, कपड़ा दे, थोड़ी फोड़ी कर लेके जा। बेबी हम तुमको हमारे हिस्से कर देंगे, कम ऑन कम, सर्दी से मर गया रे। डन 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 डन। ओ न्यू गेस्ट, वेलकम वेलकम। अरे तुम भी बदल हो गए, धोखा खा गए, हमारे वाइफ भी धोखा खा गए। क्या स्टोरी बोलता है मैन, पहले गेस्ट लोग घर पे आया है उनको कुछ विस्की विस्की पिलाओ। अच्छा अच्छा, स्टोरी बाद में बोलना। अच्छा बेबी, ये हमारा हस्बैंड सबको हमारा स्टोरी। ओके दोनों के लिए विस्की लाओ। मैं विस्की नहीं पीती। ठहरो, यंग मैन के लिए विस्की और बेबी के लिए कोको कोला। कोको कोला, यस कम ऑन मैरी। विस्की कोको कोला बेबी। थैंक यू, चीयर्स। कितने जाहिर
मांगता कि पौसर मांगता, नौटक मांगता कि पौसर मांगता, बोलो मैंने बोलो तुमको क्या मांगता, अच्छा मांगता कि अखा मांगता, बोलो मैंने बोलो तुमको क्या मांगता, नौटक मांगता कि पौसर मांगता, बोलो 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 तुमको क्या मांगता। बात है, वहां क्यों खड़ी हो? ये तुमने क्या किया? ओ कुंती, ये कैसी बातें कर रही हो? आओ ना मेरे पास। नहीं, तो राम उसे क्या हक था तुम्हें? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमने कोई पाप नहीं किया। क्या है? तुमने मेरे शरीर के साथ पाप किया है,
मेरी आत्मा के साथ पाप किया है। नहीं कुत्ती नहीं, जो प्यार निभाया नहीं जाता वो पाप कहलाता है। मैं इस प्यार को जिंदगी भर निभाऊंगा, जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे हाथों से मुझे नफरत है। ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे वो नहीं रहने दिया जो मैं थी, तुमने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं चाहती थी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा अपमान किया। बेबी चाय पी ले, चाय पी ले ना। नहीं मन नहीं कर रहा। बेबी तू खोई खोई सी क्यों है? नहीं तो कल तो पिकनिक पर। तो क्या हुआ, आंधी पानी की रात में मैं भी कहीं गई होती तो अटक जाती, तुझसे माजी ने तो कुछ नहीं कहा। वो बात नहीं है चंदा। तू थक गई है, चाय पी ले और सो जा। अब नींद नहीं आएगी। क्यों, कुछ तबीयत खराब है क्या? अरे अभी तबीयत ठीक हो जाएगी, खुशखबरी सुनकर। खुशखबरी? हाँ चंदा, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, तेरी सगाई का रिश्ता आया है। कहाँ से? राय बहादुर साहब के घर से, उनका बेटा है ना अविनाश, लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ रहा है, उसके साथ मेरी बेटी राज करेगी। इतना बड़ा घराना, नौकर चाकर, पांच पांच गाड़ियाँ। आपने हाँ कह दी ना? अरे और नहीं तो क्या, मैंने संदेशा पाते ही हाँ कर दी। देख चंदा कितना खूबसूरत है, राय बहादुर साहब की बहन खुश शगुन लेके आ रही है इतवार को। ले कुंती बेटी, शगुन की अंगूठी पहन ले, कितनी सुंदर अंगुलियां हैं। जीते रहो बेटी। बेबी गजब हो गया। क्या हुआ? अनिल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ, उसने जहर पी लिया। तो आखिर अपने किए पर पछताया वो? चाय पी ले बेबी। क्या हुआ? पता नहीं चंदा, कुछ दिनों से मतली सी होती है, चक्कर आते हैं। मतली सी होती है, चक्कर आते हैं? बेबी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़? हे भगवान, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चंदा चंदा मैं लुट गई। घबरा नहीं बेबी, मैं वैद्य जी को जानती हूँ, उनके पास हर चीज की जड़ी बूटी है। मैं उनके पास से दवा ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। सच? हाँ बेबी। बेबी ये खा ले और ये दवा पी ले, वैद्य जी ने कहा है 8-10 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सच? हाँ। वैद्य जी ने कहा था 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, अब तो 1 महीना और गुजर गया। अब तो किसी अच्छे डॉक्टर से ही दवा लानी पड़ेगी बेबी। तू जा ना चंदा, किसी से भी मिलो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला, कहीं मम्मी को पता चल गया तो। तू घबरा मत बेबी, मैं अभी डॉक्टर के पास से जाके आती हूँ। चंदा ले आई दवा? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। मना किया? हाँ, कहने लगा
गर्भ गिराना कानूनी जुर्म है। मैंने डॉक्टर को बहुत समझाया, मिन्नत भी की, लेकिन वो नहीं माना। अब क्या होगा चंदा? अब तो बच्चे को जन्म देना ही होगा, और अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान का खतरा है बेबी। नहीं चंदा, नहीं, कुछ भी करो लेकिन मुझे इस कलम से बचा लो। बाजी, अब इस कलम से हमें सिर्फ तेरी मौत ही बचा सकती है। पापिन, कमीनी, मम्मी, मत बोल मम्मी मुझे, जहाँ जाकर कहीं डूब जा। क्या कह रही हो माजी? गुस्सा करने से नुकसान ही होगा, जरा सोचिए तो। ये बेबी की जिंदगी और इस घर की इज्जत का सवाल है। मगर इतना बड़ा कलंक लेकर आप कहाँ जाए? किसी दूर इलाके के अस्पताल में, जहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। लाओ सिस्टर, बच्चे को मुझे दे दो। ओए ओए, आहा, देख तो कितनी सुंदर लगती है। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। लेकिन बेबी, इस बच्ची ने क्या पाप किया है? इसने मुझे पापन बनाया है। डाल दो इसे किसी अनाथ आश्रम में, ले जाओ इसे यहाँ से। पाजी, न जाने कौन से जन्म में पाप किया था, जो आज ये मनहूस घड़ी देखने को मिली है। चंदा, तू इसे फेंक दे, किसी को दे दे, कुछ भी कर। ये बच्ची आपका खून है माँ जी, इसे कहाँ फेंक दूं, किसे दे दूं? इसे मैं ही पालूंगी। चंदा, तू इसे पालेगी? हाँ माँ जी, मैं इसे लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन चंदा, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। आपका नमक खाया है माँ जी, बेबी के नाम पे धब्बा लगे ऐसा कभी नहीं होगा। और किसी ने पूछ लिया तो कह दूंगी ये मेरी बेटी है। मुझे पाला है, तुम न होती तो वो औरत मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती। मैं उसे अपनी मां नहीं मान सकती। ऐसी बेरहम औरत किसी की भी मां नहीं हो सकती। मां, मैं उसे नफरत करती हूं। मां, आई हेट हर। मां, मां तुम तो चली गई, ये कैसी सच्चाई छोड़ गई? मां, तुम्हारी इस डायरी ने तो मुझे जीते जी मार डाला। मुनमुन, ले मुनमुन, खाना खा ले। नहीं भाभी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हिम्मत से काम लो मुनमुन, अगर तुम इसी दुख में डूबी रहोगी तो मन और भी घबराएगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर सकता हूँ। सचमुच कुछ हो सकता है क्या भाई साहब? हाँ, श्रीनगर में मेरा एक दोस्त है दिनेश खन्ना, वहाँ के एक फाइव स्टार होटल का मैनेजर। वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं और वो कह भी रहा था कि उनके होटल में कुछ टूरिस्ट गाइड्स की जरूरत है। तुम वहाँ चली जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त के नाम एक खत दे देता हूँ। थैंक यू भाई साहब, तो फिर मैं कल ही चली जाती हूँ। कश्मीर के तफरी के लिए आए सभी यात्रियों को आपकी गाइड मुनमुन धवन का नमस्कार। नमस्कार गाइड जी, हम आपके इस 20 दिनों की टूर में कश्मीर की खूबसूरत जगहों की सैर करवाएंगे। अपनी दाईं तरफ देखिए, यह है श्रीनगर की मशहूर डाल लेक, जिसमें आप शिकारा की सैर कर सकते हैं, और यह है चार चिनार।
और ये है कश्मीर का मशहूर निषाद बाग, जिसे शहनशाह जहांगीर के साले साहब आसिफ खान ने बनाया था। किसी शायर ने खूब कहा है कि अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है। सही बात है, सही बात है। आइए। मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और गायक आनंद नहीं है? आओ आओ साढ़े नाल आओ, महान कलाकार दे दर्शन करो आनंद बहू। एक सेकंड मैं करता हूँ, सबका साइन करता हूँ। ओके आनंद बहू, अपने ऑटोग्राफ हमें भी दे दो, आपको मिलकर तबीयत खुश हो गई। मैं क्या ठीक है, मैं क्या तुसी गांदे बड़ा चंगा हो, है कितने चले हो? क्या मैं आपको अपना ऑटोग्राफ दे सकता हूँ? जी जी हाँ। बहुत खूबसूरत है, जानती हूँ। क्या यही कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? देखने वाले की नजर में या अपनी नजर में? दोनों की नजर में। Well, I like your confidence. Thank you. आनंद बाबू, मुझे आपका वो गाना बहुत पसंद है। मेरा गाना? जी हाँ। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। लगता है आपको संगीत में बहुत दिलचस्पी है। जी हाँ, सोचा था लता मंगेशकर को गाने में और सैफ अली और उनको एक्टिंग में मात कर दूंगी। फिर क्या हुआ? हो ना क्या, फ्लॉप हो गई। अगर आप चाहें तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि कल शाम 4 बजे आप मुझे यूसमक की वादियों में मिलिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके बाय। मुनमुन बैठो। थैंक यू। सुनो कितनी प्यारी धुन है। कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा मुनमुन, अपने बारे में कुछ बताओ ना। अनाथ हूँ, पापा जन्म से पहले मर गए और 6 महीने हुए माँ। इधर देखो, मुस्कुराओ, जाने वाले का गम नहीं करते पगली। अच्छा मुन्नू, तुम्हें संगीत से बहुत प्यार है ना? जी हाँ बहुत। अगले महीने मैं एक स्टेज प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हीरोइन बनो। मैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। वो फूलों वाला पेड़ देख रही हो? जी। उसकी किसी कली ने खिलने से पहले पेड़ से पूछा था कि वो खिल पाएगी या नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा मुनमुन, जिंदगी एक ऐसा साज है जिसके साथ गाओ तो दसों दिशाएं संगीत से भर जाती हैं। तुम वादा करो कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ गाओगी।
तारे टपके हैं कहकशां से, बूंद नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंद नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। कतरे चमक रहे हैं यारे शमी लटों में, जुगनू चमक रहे हैं आंचल में जैसे बिजली, गोंदे यहाँ वहाँ से सदके उतर रहे हैं तुम पर आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। अंगड़ाई ले रहे हैं अरमां जवां जवां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से, बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। और ये है यूसमर की ब्यूटीफुल गाली। ब्यूटिफुल
कौन आवाज दे रहा अभी सानू कहो नहीं नहीं है तो कुछ पहन गया वो पहन गया अपना कम कर जाके ये तो आनंद बहु आनंद बहु आनंद बहु आनंद बहु असी तुहाडे बड़े बड़े फैन है सानू अपने चरणा विच रख लो सानू गाण दा वजाण दा ते नचण दा बड़ा शौक है साडा पला कर दे बहु हाँ बहु साडा पला कर दे अरे तुहाडे शौक ते मैं पूरे कर दांगा महाराज लेकिन मैं क्या क्या वो जड़ी गाइड है ना वो तुहानू तक दी पई है की कह रहे हो आहो इतनी सोनी कुड़ी सानू तक रही है हाँ महाराज हाँ जी वो उन तुहानू देख के मुस्कुरांदी पई है आहो मैं क्या की क्या एदे बारे च कुछ किता जाए महाराज एदे बारे च उन्हें करना उन्हें करना उन्हें करना गाइड जी की हाल है चंगा जी चंगे ते तुसी भी बड़े हो आहो आहो मेरा नाम सुरिंदर सिंह है ते मेरा नाम हीर है हीर केड़ी रांझे वाली हां जी रांझे वाली हीर हीर जी हां जी ओ साडे नाल लुधियाने चलोगे तुहाडे नाल हां जी साडे नाल नहीं जी नहीं मैं ते रांझे नाल आवांगी केड़ा रांझा हीर दा रांझा और केड़ा रांझा मेरा ही कहना मानोगे हुक्म करो जान दे देंगे सुनो थोड़ी कोई भैन है नहीं चंगा की मतबल साडा भी कोई प्राण है की मतबल थोड़ी कोई भैन नहीं मेरा कोई प्राण है कल सुनो मेरा प्रा बनोगे ओ कुछ कहंदा तुसी कुछ कहंदे हो ओ झूठा ते तुसी सच्चे प्रा जी तुसी बड़े चंगे हो आ सैर करें चल पैना मुन्नू ये क्या ओ प्रा जी ए हैगा मेरा रांझा राजी हां ओए कमाल है होने वाले जीजा तू साडे नाल मस्करियां करदा पर कोई गल नहीं साले जीजे दा मजाक ते चाहदा ही रहंदा ए तुसी दोनों बैठो मैं तुहाडे वास्ते कुछ ठंडा लेके आना मेरे से सर बैणा बैणा ओ लिमका जीजा ये मैं आपके लिए लाया था पर एक बात है जीजा मुझे बंबई आना है और आपके साथ स्टेज पे काम करना है तो ठीक है बॉम्बे आ जाओ वाह 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 बुजुर्ग लोग सही कह गए कि जिंदगी में तरक्की करनी हो तो बड़े आदमी का साला बन जाओ थी शुक्रिया आपकी तारीफ तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया हम तो आपके दीवाने हैं आप मुझे नहीं पहचान सके ना जी नहीं जब आप बंबई में होते हैं तो हर रात 11 बजे आपके लिए टेलीफोन आता है गुड नाइट के लिए ओहो तो वो आप हैं जिसने हमारी रातों की नींद खराब कर रखी है लेकिन मेरा तो दिन रात का चैन रुक चुका है कितनी मुश्किल से पहुंचे हो आपके पास श्रीनगर आप नहीं जानते कितना मुश्किल होता है माँ बाप को बताना होता है आई लव यू आनंद बाबू समझ गया आप जरा आराम से बैठिए लेकिन मेरा तो आराम रुक चुका है जी चाहता है कि कश्मीर की वादियों में हर जगह अपने रोमांस की मोहर लगा दूं देखिए आप गले मत पड़िए गले लगने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है चलो कहीं घूमने चले चलो ना अरे अरे मुन्मुन अरे मुन्मुन सुनो तो सही अरे उसको मारिए गोली वो तो एक गाइड है जी हाँ वो मेरी जिंदगी की गाइड है मेरी सब कुछ है और आपकी इस हरकत ने शायद उसके दिल में गलतफहमी पैदा कर दी है यानी आप एक गाइड से प्यार करते हैं आनंद बाबू मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं ऐसी 10 गाइड खरीद सकती हूँ
एक बंदर खरीद सकती हैं आप? जी। तो जाइए एक बंदर खरीद लीजिए और खेलती रहिए उसके साथ, एंड डोंट बोर मी। ओके, आई विल शो यू। यह है सोनमर्ग की खूबसूरत वादी, स्वर्ग से भी सुंदर। एक्सक्यूज मी, मे आई स्पीक टू यू? देखो मुनमुन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही। आज उसने मुझे तुम्हारे लिए ठुकराया, कल तुम्हें किसी और के लिए ठुकराएगा। मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की के दिल का दर्द समझ सकती हूँ। वैसे भी गरीबों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। इश्क अमीरों के लिए खेल बन चुका है, जो आनंद मेरे साथ खेला और अब तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुन्नू ये बकवास कर रही है, ये गले पड़ू लड़की है और मैं तो उसे। तुम झूठ भी बोलने लगे हो आनंद। अरे तुम्हें उसकी बातों का यकीन हो गया? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। She's just a fan of mine. आनंद बाऊ, मेरे होने वाले जीजा, आनंद बाऊ। अरे आनंद जीजा होने वाले, क्या खूबसूरत मौसम है, और ऐसे खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत गीत हो जाए। नहीं नहीं नहीं, क्यों भाइयों और बहनों नहीं, देवियों, मैं ठीक कह रहे हैं? सॉन्ग हुई बात है, सॉन्ग ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, ऐसे न थे हम। हो सकता है तुमने जो देखा हो, सनम तुम्हारी नजरों का धोखा हो। दिल से न दूर करो यार हमें, हमने किया है प्यार तुम्हें। हो सकता है तुमने जो देखा हो, सनम तुम्हारी नजरों का धोखा हो। एक जरा सी बात पे क्या क्या बात बनाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, ऐसे न थे हम। ठोकर में इस दिल को लिए तोड़ के तुम तो चल भी दिए, ठोकर में इस दिल को लिए तोड़ के तुम तो चल भी दिए। तुमको खबर क्या शहर में उस दिन ईद मनाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने, ऐसे न थे हम। Come on everybody, it's time to go. Anand Jija, मैं बंबई आवांगा। दीदी, कायर दीदी, दीदी, कायर दीदी।
ये तुम्हें क्या हो गया मुन्न? सब कुछ आंखों से देखने और सुनने के बाद भी पूछ रही हूँ क्या हो गया? लेकिन उस पागल लड़की की बातों में मैं तुम यहाँ से चले जाओ आनंद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे समझने की कोशिश करो, चलो कहीं चलते। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुन्न, आज शाम की फ्लाइट से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, 27 तारीख को हमारा शो है और तुम उसकी हीरोइन हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे शो में हिस्सा नहीं ले सकती, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने मुझसे वादा किया था। मेरे साथ साथ मेरे हर वादे को भी भूल जाना, प्लीज यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा मुन्न, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आनंद भी और उसका संगीत भी। मुन्न, 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 बहना तुझे गलत फहमी हो गई है, अगर उसको तुझसे प्यार नहीं होता तो क्या वो गाना छोड़ता? अखबार में साफ लिखा है कि वो अब कभी नहीं गाएगा, और ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। मेरी बात मानो, मेरे साथ बंबई चलो। ये साहब की मर्जी भाई साहब। वाह, ये हुई ना बात, चल। अनंत को घर आना पड़ेगा, प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। अनंत हमारा है। एक बार कह दिया ना, मैं गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन बेटी, तुम्हारे जो फैंस है उनका दिल टूट जाएगा। हाँ, देखो ना बेचारे कितनी देर से बाहर चला रहे हैं। उनसे जाकर कह दो कि आज मैं गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन मैं, मैंने कह दिया ना। हाँ ठीक है ठीक। मैंने आनंद साहब को बहुत समझाया लेकिन वो गाना नहीं चाहते। आनंद को बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। सुनिए, आपके चाहने वाले मेरी कुछ नहीं सुन रहे, आप खुद ही चल के क्यों नहीं बता देते कि आप गाना नहीं गाना चाहते। हाँ आइए। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने स्टेज शो करना बंद कर दिया है, अब मैं कभी नहीं गाऊंगा। नहीं आनंद, तुम्हें गाना पड़ेगा। दोस्तों मैं गाऊंगा। हमारी याद में आंसू बहाते हैं, नवाजिश है ये उनकी आज वो दो गुल चढ़ाते हैं। मजारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। अल्लाह, वो सर खोले हमारी कब्र पे दीवाना वार आए। अरे इसी को मौत कहते हैं तो यार बार बार आए। आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के। मुझसे नसीब अच्छे हैं, मुझसे नसीब अच्छे हैं और मेरे मजार के। आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, आए हैं, आए हैं, अरे आए हैं,
इश्क के मारे नजर आने लगे, अरे उनकी भी नींद उड़ गई, तारे नजर आने लगे, अरे दिल परेशान, अरे आंख वीरान, हाँ ज़ुल्फ बरहम, लब खामोश, अब तो वो कुछ और भी प्यारे नजर आने लगे। आके हमारी कब्र पे तूने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। चैन से सो रहा था मैं अल्लाह, चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार में, और यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। आए कभी गिरी कभी सयाद आ गया, हमने तो चार दिन भी ना देखे बहार के, हमने तो चार दिन भी ना देखे बहार के। सयाद तेरे हुक्म में रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के, कफस में काट चुके दिन बहार के, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के। अरे वादा वो कर गए थे सुनो मुझसे शान का, वादा वो कर गए थे सुनो मुझसे शान का, तो कैसे कटेंगे चार पहर इंतजार के, तो कैसे कटेंगे चार पहर इंतजार के, तो कैसे कटेंगे चार पहर इंतजार के। किया था वादा कि आएंगे वो चराग जले, तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले, जा देखा तेरा वादा हाय रे तेरा वादा, जा देखा तेरा वादा हाय रे तेरा वादा, जा देखा तेरा वादा हाँ देखा तेरा वादा, जा देखा तेरा वादा हाय रे तेरा वादा, वो जा देखा तेरा वादा हाय रे तेरा वादा। Yeah.
कमिंग। अरे इतनी देर क्या करी थी तुम? मैनेजर साहब, अंकल मीट मुनमुन। मुनमुन ये। हेलो सर। पहचाना मुझे? भला आपको कैसे भूल सकती हूँ सर, आपने तो मुझे मेरा पहला गोल्ड मेडल दिया था। अरे वाह, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जी। हाँ भाई, मुनमुन जी, तुम इतनी अच्छी कलाकार हो ये जानकर बड़ी खुशी हुई। आज हमारी मेम साहब नहीं है, वरना वो तुम्हारी दीवानी हो जाती। थैंक यू। वो आ जाए तुम्हारे घर पे खाना खाने जरूर आना। यस सर। कहाँ ठहरी हो तुम? सेंट्रल होटल में। मैं खुद तुम्हें दावत देने आऊंगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय आनंद। बाय। अंकल के सामने हाथ लगा तो क्या हुआ? तुमने हाथ क्यों नहीं रखता? हाँ ओके बाय। अरे कमाल है, हम आपको यहाँ तक छोड़ने आए और आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कह रहे? आइए। हाँ जी, ऐसा कहिए। आओ। अरे बैठो। अरे जरा आराम से भाई। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी। तुम कुछ बोलो। नहीं, तुम कुछ बोलो। नहीं, तुम कुछ बोलो। नहीं, तुम बोलो। तुम बोल दो। तुम बोलो। मैं बोलूं? तो जी ये। अच्छा, इसलिए आप अंदर आना चाहते? चलिए नहीं, उठिए बाहर निकलिए। अरे चलिए आउट। और हो हो। वो सुबह में रुमाल रह गया। हाँ? मैं लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं। ये लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो मेरा चश्मा। मेरा चश्मा। मैं लाती हूँ। थैंक यू। वो क्या? अब क्या रह गया? मेरा दिल। वो नहीं मिलेगा। अरे मेरा दिल। माँ, कभी कभी सुख तब आता है जब सुख को पाकर सुखी होने वाला चला जाता है। अगर आज तुम जिंदा होती तो आनंद को देखकर कितनी खुश होती। और एक माँ तुम भी हो, पत्थर की माँ। अगर पत्थरों तक आवाज पहुंचती है तो तुम भी सुन लो कि आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। वो तुम फिर आ गए? अरे भाई तुम नहीं, हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज कम इन सर। हमारी धर्मपत्नी वापस आ गई और अपने वादे के मुताबिक हम तुम्हें पार्टी पे इनवाइट करने चले आए। आपकी पार्टी में आना तो मेरे लिए इज्जत की बात है। अरे भाई ये पार्टी हमने रखी तुम्हारे लिए है, और अगर कहो तो तुम्हारे इनको भी बुला ले। ये एक पत्थर की तस्वीर है। पत्थर? ये तुम्हारी फूलों की तरह महकती हुई जिंदगी में पत्थर कहां से आ गए? ये कहानी मुझसे मत पूछिए। क्यों? जिंदगी में ऐसे बहुत से क्यों होते हैं सर, जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। कोई राज है क्या? राज नहीं सर, यह एक ऐसा जख्म है जो रिश्ते रिश्ते नासूर बन गया है। मुन्मुन, बहुत से दुख ऐसे होते हैं जो बांटने से कम हो जाते हैं। आज अगर हमारी औलाद होती तो क्या अपने मन की बात हमसे छुपा के रखती? हरगिज नहीं। तुम भी तो हमारी औलाद की तरह हो। इस डायरी में एक पत्थर दिल माँ की कहानी है सर। जब जब कोई खुशी मुझे नसीब होती है तो ये डायरी और तस्वीर पत्थर की तरह आकर मुझसे टकराती है। आप खुद ही पढ़ लीजिए सर। Thank you.
अपनी माँ से मिलना चाहोगी? नहीं सर, नहीं। क्यों? उस माँ से क्या मिलना जिसने अपने हाथों से ममता का गला घोट दिया हो। मुनमुन, गम के अंधेरे यूं न मिटेंगे, चल के तुम दीपक न जलाओ। रेत कोई आंचल तो नहीं है, रेत पे तुम आंसू न गिराओ। कल हम तुम्हारा पार्टी में इंतजार करेंगे, आओगी ना? जरूर आऊंगी सर। गॉड ब्लेस यू। डार्लिंग, कितनी देर कर दी? याद नहीं आज राय साहब की पार्टी पर चलना है? पता है तीन तीन बार फोन आ चुके हैं उनके घर से। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? ओफो, ऐसी भी क्या बात हो गई? आज एक बड़ा पेचीदा केस आ गया कुंती, तुम सुनोगे तो तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्या केस हो सकता है? एक लड़की का केस। वो लड़की वैसे तो बड़ी सीधी सादी है, मासूम है, मगर अपनी माँ की दुश्मन है। अरे वाह, तब तो बड़ी कमी है औलाद है, और तुम उसे मासूम कहते हो? मासूम तो वह है कुंती, मगर जब कोई औलाद अपनी मां की दुश्मन हो जाए तो जरा सोचना पड़ता है। वैसे उसके पास बड़ी ठोस वजह है दुश्मनी की। ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती, आखिर उसकी मां ने 9 महीने अपनी कोख में पाला, जन्म दिया। क्या जमाना आ गया है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि ऐसी औलाद भी हो सकती है। यही तो वो लड़की भी कहती है कुंती, कि ऐसी माँ कैसे हो सकती है। कैसी माँ? जिस माँ ने उसे कलंक की तरह 9 महीने कोख में तो पाला, मगर जन्म होते ही उसे फेंक दिया। कुंती तुम ही बताओ, इसमें उस औलाद का क्या कसूर है? कसूर? लेकिन इसमें तुम्हारा कानून क्या कर सकता है? ये कोई कानूनी मामला तो नहीं? कानूनी मामला तो नहीं कुंती, मगर दुनिया में क्या सब कुछ कानून ही होता है? ईमान धर्म भी तो कुछ होता है। ईमान धर्म? हाँ कुंती, उस मां ने उसे जन्म तो जरूर दिया, मगर उस बेचारी से जीने का अधिकार छीन लिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो मेरी नेक बीवी हो, अगर कभी तुमसे ऐसी गलती हो गई होती तो तुम क्या करती? मैं उनसे? मुझे क्या लेने देने ऐसी औलाद से? तुम ठीक कहती हो, भला तुम्हें क्या लेना देना, मगर कुंती वो औरत जिस आदमी की पत्नी होगी, अगर उस आदमी को ये राज मालूम हो जाए तो क्या वो अपनी पत्नी को कभी माफ कर सकेगा? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मगर तुम क्यों घबरा गई? मैं तो यही बात कर रहा था, चलो पार्टी में चलते हैं। नहीं अब रहने दो, अब मेरा भी मूड ऑफ हो गया है, मैं राय साहब को फोन कर देती हूँ। वो औरत जिस आदमी की पत्नी होगी, अगर उस आदमी को ये राज मालूम हो जाए तो क्या वो अपनी पत्नी को माफ कर सकेगा? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। क्या वो अपनी पत्नी को माफ कर सकेगा? क्या वो अपनी पत्नी को माफ कर सकेगा? क्या वो अपनी पत्नी को माफ कर सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या बात है डार्लिंग? कुछ नहीं, आँख खुल गई थी फिर नींद नहीं आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, तुम कैसे जाग गए? सोते सोते न जाने क्या हुआ, शायद उस लड़की का ख्याल आ गया और एकदम नींद उड़ गई। तुम्हें भी उसी का ख्याल आ रहा है क्या? नहीं तो, मुझे क्यों उसका ख्याल आने लगा? लेकिन मैंने जब से उसकी कहानी सुनी परेशान हो गया हूं। खैर छोड़ो, खामखा एक पराई लड़की के केस में तुम्हें भी उलझा रहा हूं, चलो सो जाओ। चलो
नरेश साहब हैं? जी हाँ, ऊपर बेडरूम में है। मेम साहब की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं। आओ मनमोहन जी। सुना है आपकी मिसेस की तबीयत खराब है, क्या हुआ सर? कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। मिस्टर कुमार, आधे पौने घंटे बाद जब भी आंख खुले सरहाने रखी हुई गोली दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम, बाय। अरे बड़े खूबसूरत फूल लाई हो, अब लाई हो तो वापस तो नहीं ले जाओगी? उस फ्लावर वाज में लगा दो, हमारी मैम साहब को फूल बहुत पसंद है, देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। मेरी बारे में, मेरा मतलब उस डायरी के बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं मुनमुन, वो सिर्फ इतना जानती है कि तुम मेरी क्लाइंट हो। थैंक गॉड सर, सब वो डायरी उसे आप झूठ समझिए सर, वो सब झूठ है, आप उसे भूल जाइए सर, मुझे भी उस डायरी को भी प्लीज, मैं जाती हूँ सर। नहीं मुनमुन, अपनी जिंदगी अपनी मंजिल के इतना करीब आकर भाग जाना चाहती हो? नहीं सर, बेटी की वजह से माँ की जिंदगी तबाह हो जाए ये ठीक नहीं है सर। और एक बेटी तबाह कर दादा की ठोकरें खाती रहे, ये ठीक होगा क्या? भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, दुनिया भर के डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी कुंती हमारे बच्चे की माँ नहीं बन सकी। वो माँ नहीं बन सकी इसका मुझे बहुत दुख है सर, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वो मुझसे बेपरवाह नफरत करती है सर। शी हेट्स मी सर, मैं आपका क्या हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाने से पहले इतना तो जान लो कि वो आज भी तुमसे नफरत करती है या नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? तुम उनके पास बैठो, डॉक्टर ने कहा था उन्हें खुलने पर सराय रखी हुई गोली उनको खिला देना, बस ये काम तुम करोगे। अगर उन्होंने पूछा मैं कौन हूं तो कह देना मैं वही क्लाइंट हूं जिसके बारे में मिस्टर साहब आपको बता चुके हैं। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। जिंदगी से भागना नहीं चाहिए मुनमुन, बल्कि जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के एक नतीजे तक पहुंचना चाहिए। आओ कम ऑन। बैठो बैठो ना, हिम्मत से काम लो, मैं नीचे लाइब्रेरी में हूं। कौन हो तुम? जी मैं मुनमुन। कितनी प्यारी हो, आओ मेरी बेटी बनोगी? हाँ माँ, हाँ माँ, 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 माँ। कौन हो तुम? जी जी मैं मुनमुन। कौन मुनमुन? जी जी वही बैरिस्टर साहब की क्लाइंट। ओ तो वो पाप की औलाद हो तुम, लेकिन यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? जी उन्होंने कहा था कि आपकी नींद खुलने पर आपको गोली दे दूं। कोई गोली वोली नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पाप के हाथों से। Get out of here. I say get out. So, क्या हुआ मुन्नू? क्या बात है मुन्नू, क्या बात है? वो मुझसे नफरत करते हैं सर, she hates me, she hates me। इस तरह आंसू नहीं बहते पगली, अपने आप पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल, मोहन कहाँ मर गए सब? जी मैम साहब। साहब कहाँ है? लाइब्रेरी में।
और वो लड़की सांप के गले लगी हुई है। What? आओ मुन्मुन। अविनाश धीरे बोलो डार्लिंग, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ हाँ, तुम तो मेरे आराम का सामान तैयार कर रहे हो ना, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये मुन्मुन है, मेरी क्लाइंट, मैंने तुमसे कहा था ना। तो ये तुमसे गले लगी अपनी केस के दांव पे सीख रही है। ओफो, गुस्सा सेहत के लिए बहुत खराब होता है डार्लिंग। आओ तुम आराम करो। मैं कहती हूँ इसे बाहर कर दो, निकाल दो इस घर से। ऐसे बाप की छाया को मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल कीजिए, मैं चली जाऊंगी, ये घर ये शहर दोनों छोड़ के चली जाऊंगी। तुम जैसी पाप की निशानी को तो दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए। गेट आउट ऑफ हियर। ठहरो मुन्मुन। अब आप मुझे मत रोकिए सर। नहीं बेटे, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी शहर में रहोगी। इससे क्या हासिल होगा? मुन्मुन, अदालतें सिर्फ कानून की नहीं होती, मन की भी होती हैं। जुर्म के फैसले कानून करता है, मगर पाप के फैसले ईमान करता है बेटे। और अब ईमान की अदालत में तुम्हारा फैसला होके रहेगा। थैंक गॉड आनंद, बड़ी मुद्दत के बाद अकेले मिले यार, वरना हमेशा चमचों के साथ घिरे रहते हो तुम। यार देख, मैं आज तक जितने ड्रामे लेके आया तुमने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज मैं एक ऐसा ड्रामा लेके आया हूँ जिसे तुम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जानते हो किसने लिखा हुआ है? किसने? कमलेश्वर जी ने। अरे वो फेमस राइटर? हाँ वही। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक बार सुन तो ले यार प्लीज, मेरे कैरियर का सवाल है और दो मिनट लगेंगे। दो मिनट लगेंगे बस। स्टार्ट करूं? ड्रामा शुरू होता है। औरतों को ये शिकायत है मर्दों से कि उन्हें सदियों से गुलाम बनाकर रखा है, और औरतें जब भी मर्दों के खिलाफ आवाज उठाती हैं उस आवाज को दबा दिया जाता है। बस परेशान होके औरतें सीधा बैकुंठ भगवान के पास पहुंचती हैं अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी कीजिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए। शांत देवियों, शांत शांत शांत, क्या चाहती हैं आप? सदियों से आदमी ने हमें दासी बनाकर रखा है, खाना पकाओ घर संभालो, अब ये सब काम हमसे नहीं होगा, ये सब कानून बदलने पड़ेंगे। अब हमारे काम आदमी करेगा और आदमी का काम हम करेंगे। जैसी आपकी इच्छा देवियों, तथास्तु। ठीक है। अरे हाँ, एक और काम हमने करेंगे। वो क्या देवियों? हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चों को जन्म देना अब आदमी का काम होगा। ये कैसे हो सकता है देवियों? प्रकृति का नियम कैसे बदला जा सकता है? बदलना होगा। परंतु देवियों। नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। प्रणाम मुनिराज, ठीक समय पर पधारे आप। इन देवियों की मांग है अब ये बच्चों को जन्म नहीं देंगी, बल्कि आदमी बच्चों को जन्म देंगे। प्रणाम देवियों, ये सृष्टि का नियम है कि बच्चों का जन्म तो स्त्री की कोख से ही होगा। नारायण, हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, नहीं देंगे। देवियों कुछ समझौता करिए, आपकी ये मांग अनुचित है। ठीक है, बच्चा हमारी कोख से जन्म लेगा, लेकिन डिलीवरी का दर्द आदमी को होगा। बोलिए मंजूर है कि नहीं? प्रभु तथास्तु कहिए और पीछा छुड़ाइए, ये भारतीय महिलाएं हैं। तथास्तु। चल 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 बेटी चल। बेटे मिठाई खिलाओ ना। खिलाओ। हाँ दो। थैंक यू। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए। ऑफिस का काम? जानता हूँ। घर का काम? जानता हूँ। बच्चे संभालना? जानता हूँ। खाना पकाना? जानता हूँ। झाड़ू लगाना? जानता हूँ। बैठिए। जानता हूँ। बैठिए। हाइट 5 फुट 10 इंच। वेस्ट 34 इंच। चेस्ट
42 इंच बॉडी गुड लड़का पसंद है की रात है गले आज लगा ले जालिम रस में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है ये क्या हो रहा है धड़क रहा है क्यों दिल क्यों शर्मा रही है इसमें शर्माने की क्या बात है यहां तुम्हारे और हमारे सिवा और कौन है वसल की रात है रोशन चिराग गुल कर दो हाँ खुशी के मौके पे क्या काम जलने वालों का वाह 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 इसी बात पे बंद कर देते हैं जाने मत अरे अरे मेरा हाथ अब हमसे बच के कहां जाएंगे आप छोड़ दो इधर तो देखिए क्या तो देखिए शर्माइए मत हम तो आपके पत्नी देव हैं अच्छा हिम्मत से काम लेना बस थोड़ा सा दर्द होगा थोड़ा सा हाँ संभाल लेना घबरा नहीं 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 मैं जाऊँ मैं जाऊँ संभल के अच्छा पाया पहलो है हाँ सेठ जी और आपका सेठ जी का भी पहला ही है मारो ड्राइवर सावन कुमार ओ, सुना है सेठ जी बहुत दर्द होता है पाया ये औरतों ने भी भगवान से क्या वरदान मांग लिया बच्चा माँ को हो गए और दर्द बाप को हो गया बड़ी मुसीबत है सेठ जी पर पाया फिक्र की कोई बात नहीं छोरो हो गए तो दर्द भी बर्दाश्त कर ले सा पर छोरी हो गए तो गांठों को काटो और दर्द को दर्द तो दर्द कहां से हो रहा जो आवाज कभी जा रही अरे सावन कुमार थारी तो शादी कोई ना हुई थारे को दर्द क्यों हो रहा है अब समझ में आयो थारे को दर्द क्यों हो रहा है अरे थारो सत्यनाश थारो बेड़ो गर्क छोड़ा थारा मारो कोई ना अरे थारो बेड़ो गर्क अरे थारो बेड़ो गर्क अभी तक काम कितनी देर हो गई कुंती मुन्मुन का केस स्टडी कर रहा हूँ फिर वही मुन्मुन का केस हाँ कुंती केस कुछ है ही ऐसा जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ मालूम है आज उससे मैंने पूछा तुम कहाँ की रहने वाली तो उसने क्या कहा उसने तुम्हारे शहर का नाम लिया चंदनपुर चंदनपुर बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी चौंक गया था क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो मैं कैसे जानूंगी ऐसे छोटे लोगों से हमारा क्या वास्ता नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था एक ही शहर की बात है ना उल्टे उल्टे खबरें भी आ जाती हैं शायद कभी तुमने कुछ सुना हो हमारे घर के दरवाजे इज्जतदारों के लिए थे ऐसी गंदी खबरों के लिए नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है सिर्फ इतना चाहती है कुंती कि उसे नाजायज औलाद होने के कलंक से बचा लिया जाए ऐसा कौन सा कानून है जो नाजायज होने की सच्चाई को बदल सकता है अगर वो नाजायज औलाद है तो रहेगी इसी सच्चाई को तो बदलना चाहती है ये कैसे मुमकिन है बस इसी पॉइंट को तो ढूंढना है ताकि मुनमुन को उसका अधिकार मिल सके अविनाश अगर उसकी माँ ने उसे पैदा होते ही मार डाला होता तो शायद तुम्हारा कानून जुर्म का मामला खड़ा करके कुछ कर सकता था लेकिन इस मामले में तुम्हारा कानून क्या कर सकता है जिस तरह उसकी माँ चुप रही है
समाज चुप रहा है उसी तरह तुम्हारे कानून को भी खामोश रहना पड़ेगा। कुंती, तुम्हारी इस बात में पॉइंट है। मान लो अगर मुनमुन कत्ल के इरादे से अपनी माँ पे हमला करे और पकड़ी जाए तो कानून से पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कानून के सामने कहेगी ये औरत मेरी माँ है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा न्याय किया। तो क्या उसकी माँ मिल गई? मिल जाएगी, मैं भी उसी की तलाश में हूँ। बस एक दफा मिल जाए तो हमला तो मैं करवा दूंगा। ओह माय गॉड, यू आर टू इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। मैं चलती हूँ। अविनाश कुमार। आप इस वक्त? आना पड़ा। क्यों, कुछ गालियां बाकी रह गई हैं क्या? गालियां नहीं, सच्चाइयां। किस सच्चाई की जरूरत पड़ गई है आपको? मैं जानना चाहती हूं तुम कौन हो। ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आप कौन है तो? मैं मिसेस अविनाश कुमार हूं, सारी दुनिया जानती है। कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सच तो नहीं जिसे दुनिया नहीं जानती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? आप इतनी रात गई आई हैं, क्या सच्चाई जानना चाहती हैं आप? तुम कहां की रहने वाली हो? चंदनपुर की। सुना है आप भी वहीं के रहने वाली थी। ठीक सुना है तुमने, हमने भी सुना है कि तुम्हारी माँ भी चंदनपुर की रहने वाली हैं, जिनसे तुम्हें बहुत सी शिकायतें हैं। क्यों, आप उस माँ की पैरवी करने आई हैं जो अपनी गलती की सजा अपनी संतान को दे रही है? हो सकता है तुम्हारी माँ की कुछ मजबूरियां हों। मजबूरियां? क्या नाम है उनका? उस माँ का नाम बताने से फायदा है क्या जो अपनी संतान को पहचानने से इनकार करती हो? तो क्या तुम मुझे अपने डैडी का नाम बताओगी? जरूर, मेजर जगमोहन। आप मेरे डैडी को जानती हैं? नहीं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ और अपने डैडी के पास वापस चली जाओ? मेरी माँ ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। डैडी माँ की बेवफाई ना सह सके इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओह, सचमुच बड़े दुख की बात है। सुनो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम चाहे किसी की भी बेटी हो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मुझे हमदर्दी नहीं मैडम, माँ चाहिए। बड़ी जिद्दी हो। सुना है तुम बहुत अच्छी कलाकार हो, तुम्हारी ये जिद अगर तुम अपनी कला में इस्तेमाल करोगी तो जिंदगी बदल जाएगी। इज्जत से कुछ तो जरूर बदलेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे पराया ना समझना। आप पराये होते तो हमारी आंख में आंसू क्यों होते? हेलो मैडम। कौन है आप? सुरेश ओबरॉय। क्या चाहते हैं? चंदनपुर की कुंती देवी से मिलना चाहता हूं, जो अनिल धावन नाम के एक आदमी की शायरी की दीवानी थी। वो उससे प्यार करता था, बेपनाह प्यार। वो उसकी बेवफाई सह ना सका और जहर खाकर मर गया। बकवास बंद करो, ऐसी कोई कुंती देवी यहां नहीं रहती। यहीं रहती है वो कुंती देवी,
मिसेस अविनाश कुमार बनकर। मिसेस अविनाश कुमार वो कुंती देवी नहीं है जिसे तुम मिलने आए हो। गेट आउट। डॉक्टर सक्सेना का नर्सिंग होम, वहाँ एक बच्ची का जन्म जिसका मुंह देखना भी आपने पाप समझा था, और चंदा नाम की एक भरोसेमंद नौकरानी को देकर उस नन्ही सी बच्ची को जिंदगी के अंधेरों में धकेल दिया। मिसेस कुमार, वो कुंती कोई और नहीं, आप ही हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? यू आर अ ब्लैकमेलर। जी नहीं, ब्लैकमेलर नहीं, इमोशनल एडवाइजर यानी जज्बाती सलाहकार। ये मेरी हॉबी है मिसेस कुमार, कि हर आदमी के जज्बाती मामलों की खबर रखना और दुखी पार्टी की मदद करना। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जज्बाती तूफान खड़ा हो गया मिसेस कुमार। आपके पति एक खूबसूरत और जवान लड़की की बाहों में अपने दिल का चैन ढूंढ रहे हैं। ये झूठ है, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। हिंदुस्तान की हर औरत अपने पति के बारे में यही सोचती रहती है मिसेस कुमार, लेकिन पति ओवरटाइम करता रहता है। यू आर इन ट्रबल। आप अपनी बकवास बंद करेंगे या मैं पुलिस के हवाले कर दूं? अब वो दिन दूर नहीं मिसेस कुमार जब आप अपने पति को खोकर इस घर से बाहर होंगी, और आपके घर और पति की मालकिन वो लड़की होगी। कौन लड़की? मुनमुन। व्हाट? जी हाँ मिसेस कुमार, आजकल बैरिस्टर साहब ऑफिस या कोर्ट नहीं जाते, आजकल वो और मुनमुन। तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुम्हारा मकसद सिवाय ब्लैकमेल करने के और कुछ नहीं है। यू आर अ ब्लैकमेलर। नो, इमोशनल एडवाइजर यानी जज्बाती सलाहकार। मुझे अपना दोस्त समझिए मिसेस कुमार। तो ये सब क्यों बक रहे हो? आपको आपकी बीती हुई जिंदगी बता रहा हूँ। हर हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। ये क्यों नहीं कहती मिसेस कुमार कि हर लड़की शादी से पहले की अपनी जिंदगी की किताब को जला देना चाहती है? लेकिन जिंदगी जली हुई किताब नहीं, जिंदगी एक आवाज है जो हर वक्त सुनाई देती है। आखिर तुम क्या चाहते हो? सिर्फ आपकी मदद करना। अपने पति का सच्चा रूप देखने के लिए शाम को 4 बजे बैंड स्टैंड पर मिलेगा मिसेस कुमार, बंदा आपका इंतजार करेगा। बाय बाय, सो लॉन्ग। हेलो स्वीटहार्ट। कहां से आ रहे हो? अरे भाई जहां से रोज आते हैं, बार एसोसिएशन से। बार एसोसिएशन का दफ्तर समुंदर के किनारे बैंड स्टैंड पर कब से खुल गया? ओ बैंड स्टैंड, डार्लिंग बैंड स्टैंड पर अपना एक क्लाइंट रहता है, बस उसे छोड़ने चला गया था। छोड़ने या पकड़ने? पकड़ने। देखो अविनाश, तितलियों के पंख खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ो तो उनके रंग हाथों में छूट जाते हैं। रंग? कैसा रंग? अच्छा, तो अब तुम उसे झूठ भी बोलने लगे? झूठ? हाँ पैसे में तो बोलता हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तुम्हें उस लड़की मुनमुन के साथ, ये देखो उसकी लिपस्टिक का दाग। डार्लिंग समझने की कोशिश करो, वो मेरी क्लाइंट है। क्लाइंट को कानून की जरूरत होती है, कंधों की नहीं। कभी कभी कंधे कानून से ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। अच्छा, तो बात अब यहां तक पहुंच गई है। कम इन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डेजी, कहो क्या बात है? सर वो जो वाला बंगला हमने खरीद लिया है। वेरी गुड, तो मेम साहब को होटल छोड़कर बंगले में चली जाए। सर मैं उनकी नई गाड़ी का चेक लेने आई हूँ जो आप देना भूल गए थे। ओफो, तो गाड़ी वाले से कहो कल आके ऑफिस में ले जाए। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैडम। तो मेम साहब को बंगला और गाड़ी भी खरीद कर दे दी गई है। मगर कुंती, ये बंगला और गाड़ी तो उसने अपने पैसे से खरीदे।
उस अनाथ के पास इतना पैसा कहां से आ गया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो अविनाश। आखिर आखिर उस चुड़ैल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सुनना चाहती हो? हाँ, अब सब कुछ सुना ही दो। तो सुनो कुंती, तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती, और वो अगर इस घर में आ जाए तो औलाद की कमी को पूरा कर सकती है। अविनाश, ये एक सच्चाई है कुंती। मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तुम मेरे विश्वास को धोखा दोगे, ये मैं नहीं जानती थी, ये मैं नहीं जानती थी। किसने किसके विश्वास को धोखा दिया है ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो कुंती। अरे वाह मुनमुन वाह, आज तो कमाल कर दिया, आज तो क्या डांस किया है मैंने। नहीं नहीं, क्या डांस किया तुमने आज? इसी बात में मैं तुम्हें ताज में डिनर के लिए ले चलता। नहीं आनंद, आज नहीं, आज मैं अपनी सहेली के यहाँ खाना खाने जा रही हूँ। क्यों? वो बाहर मेरे लिए वेट कर रही है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। लेकिन देखने में कैसी है तुम्हारी सहेली? अति सुंदर। मैं चल सकता हूँ? जी नहीं तो फिर मेरा सलाम दे देना। सुधर जाओ। अरे सुधरे हुए हुजूर, बिगाड़ने के बाद कहते हैं सुधर जाओ। हेलो मिष्ठान। हेलो सुरेश ओबेरॉय। यस मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर आनंद, मुझे अपना दोस्त समझिए, वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि देर हो जाए जाकर बाहर अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या देख लीजिए? अपनी गर्लफ्रेंड मुनमुन को। उसने आपसे कहा कि वो एक सहेली के साथ बाहर खाने पर जा रही है? यस ऑफ कोर्स। नो मिस्टर आनंद, यू आर इन ट्रबल। आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है, वो अपनी सहेली के साथ नहीं, 1 करोड़पति के साथ बाहर तफरी पर जा रही है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा दोस्त, वक्त बहुत कम है, जल्दी जाकर बाहर देख लीजिए। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से किसी और के साथ जाते हुए देखा। चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं देती? जख्मों के पास सिर्फ दर्द होते हैं आनंद, जवाब नहीं होते। जख्म, दर्द, तुम बातों से बहलाना चाहती हो मुझे? सच्चाइयां मेरे सामने हैं मुनमुन, और यह साफ है कि तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। नहीं, तुमने मेरी भावना से खिलवाड़ किया है। नहीं, तुमने यह झूठ बोला है कि बंगला और गाड़ी तुम्हें तुम्हारी सहेली ने दी है। हाँ, इतना सा झूठ बोला था मैंने, लेकिन यह मेरी मजबूरी है कि इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बता नहीं सकती या बताना नहीं चाहती? मुझे क्या मालूम था कि मेरे इश्क का भी एक मजार बनेगा। बातों के खूबसूरत ताजमहल में मेरे प्यार को दफना कर तुम पराई बाहों में चली जाओगी। प्यार इतना कच्चा नहीं होता आनंद, जिस्म दफनाए जाते हैं, प्यार नहीं। मेरी जिंदगी एक उलझा हुआ सवाल बन गई है, जिसकी वजह से मैं खुद को तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं पाती। जिस दिन मैं इसे सुलझा लूंगी, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हो जाऊंगी। जिसके साथ घूम रही हो उसके प्यार के तो काबिल हो ना? हाँ आनंद, इस वक्त मैं उन्हीं के प्यार के काबिल हूँ। तो ठीक है, जो चाहे वो करो, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मिसेस कुमार, आपकी मुश्किलें कुछ काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और इससे पहले कि जज्बातों का तूफान आपकी जिंदगी की कश्ती को तोड़ फोड़ कर किसी अनजाने किनारे पर पटक दे, आपको कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुनमुन बेहया होने के साथ साथ बेहद गरीब भी है, और पैसे की प्यासी भी है। अगर आप उसे पैसे देकर उसकी प्यास बुझा दें, तो आपकी जिंदगी फिर से गुलजार हो सकती है मिसेस कुमार। मैं अपने घर को बचाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकती हूँ। तो देर मत कीजिए, 8-10 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाइए। पैसों के पंख लगते ही मुनमुन जैसी चिड़िया तो यूं उड़ जाती है। फिर आप? हाँ क्यों, आज आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? कभी कभी प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ता है। ओ, तो आज हालात इतने बदल गए हैं कि आप प्यासी हैं और मैं कुआं हूँ। हाँ, सिर्फ कुआं नहीं, तुम एक अंधा कुआं हो।
जिसमें पानी नहीं सिर्फ कीचड़ है। अच्छा, तो इस कीचड़ से आपको क्या हासिल हो पाएगा? इस कीचड़ को मैं पानी से भर देना चाहती हूँ ताकि इसकी बदबू खत्म हो जाए। इसलिए वो पानी लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भर की प्यास मिट जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? इस बैग में 10 लाख रुपया है, इसे लेकर कहीं भी चली जाओ, चली जाओ और मेरा पति और मेरा सुख चैन मुझे लौटा दो। तो आप रुपयों से रिश्ते खरीदने आई हैं? रुपयों से मजबूरियां खरीदी जाती हैं मैडम, रिश्ते नहीं। और आज मजबूर आप हैं, मैं नहीं। ये रुपया आप मुझे मत दिखाइए, समझिए आप? समझने की कोशिश तुम करो बेवकूफ। ये 10 लाख रुपया तुम्हारी एक उम्र के लिए काफी है। तुम कहीं भी रहकर आराम से जिंदगी गुजार सकती हो। इस रुपए की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है मैडम, क्योंकि जिंदगी गुजारने की प्रॉब्लम अब मेरे सामने नहीं, कल आपके सामने होगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जिस कुएं से आप ये पानी लाई हैं, वो कुआं भी मेरा है और पानी भी मेरा। बदतमीज बदजात, तेरी ये जुर्रत कि मेरे सामने मेरे घर को मेरे पति को अपना कहने की हिम्मत दिखा रही है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ओह, जो भी बात करनी है शांति से कीजिए। बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्से में आदमी अदब भूल जाता है। अदब, कायदा, रिश्ता, ये तू मुझे समझा रही है? एक गई गुजरी कीचड़ में सनी हुई लड़की तू? मैं कीचड़ में सनी हुई सही, लेकिन आप तो जैसे बेदाग कमल का फूल है। आप मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती। उठाइए रुपये और चली जाइए यहाँ से, नहीं तो। नहीं तो क्या, क्या करोगी तुम? मैं इन रुपयों को आग लगा दूंगी और आपको दर दर का भिखारी बना दूंगी, फिर आप भी प्यार के लिए वैसे ही भटकेंगे जैसे मैं भटकती रही हूं। मैं कहती हूँ चली जाइए यहां से। खूब नाटक खेल रही हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी। जो देखना चाहिए उसे अगर आप देख पाते तो औरत से फरिश्ता बन जाती। मान गई? नहीं, वो बहुत बदतमीज है। तो बदतमीज कम चालाक ज्यादा है। मैं कोई और तरकीब सोचता हूं, यू डोंट वरी। चलिए, हेलो। हाँ हेलो कर्नल, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे फूल मिल गए भाई। और देखो शाम को पार्टी पे आना नहीं भूलना, आनंद को भी लेके आना। आज हमारे तो खास मेहमान आने वाले। थैंक यू, सी यू। मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। अरे नमस्ते, थैंक यू। बैरिस्टर सब कहाँ हैं? मुबारक हो आंटी। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, नाइस टू सी यू माय डियर। मुबारक हो अंकल। थैंक यू वेरी मच। मीट माय फ्रेंड सुरेश ओब्रॉय। हेलो फेमस बैरिस्टर अविनाश कुमार। हाँ ठीक है ठीक है। लुक आफ्टर योर फ्रेंड। अविनाश साहब बहुत अच्छे आदमी। ये कहाँ गए? क्यों यार, इसे अपना ही घर समझो, एंजॉय योरसेल्फ। अरे बाबा, यही तो वो करोड़पति है जिसके चक्कर में आजकल मन मन तुम्हारी। बैरिस्टर साहब मजाक कर रहे क्या? अरे बाबा, यही वो आदमी, हम 100% श्योर। डोंट बी सिली यार। हेलो मुन्नू। थैंक यू डार्लिंग। आने में इतनी देर? अरे हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ। अरे आज तो इस पार्टी का मजा ही कुछ और है। मुनमुन भी है, आनंद भी, दोनों ही संगीत की दुनिया के बड़े कलाकार। आनंद, आज इस खुशी की रात में एक फड़कता हुआ गाना हो जाए बच्चे। फ्रेंड्स, गिव देम अ बिग हैंड प्लीज। क्या इरादा है, गाओगे? गेट लॉस्ट।
वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ठीक है, तू मैं हर जाए तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। कैसी बेशर्मी से बात करे हंस हंस के, कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिल रुबा। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिल रुबा। वो बेवफा, सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मीना, छोड़ा तुझे तो क्यों है गीला। जिसके लिए
सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। पास भी उसको कम ही नजर आता है। प्यार नशा है ऐसा जिस पे छा जाता है, आस पास भी उसको कम ही नजर आता है। माना के मेरे दिल में प्यारी सी एक लड़की आन बसी है, फिर से बन के शमा मेरे घर की। चाह उसे तो क्या हुआ, इसमें किसी का जाता है क्या। चाह उसे तो क्या हुआ, इसमें किसी का जाता है क्या। वो बेवफा हेलो मिस्टर आनंद, आप मिस्टर आनंद, यू आर इन ट्रबल एंड मिसेस कुमार इज आल्सो इन ट्रबल। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों मुसीबत में हैं। क्या मतलब? हाँ आनंद, तुमने तो पार्टी में सब कुछ देख ही लिया, तुम्हें क्या, सारी दुनिया ने देख लिया, क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूं, रास्ता एक ही है। क्या? आप दोनों मिलकर उन दोनों को मुसीबत में डाल दीजिए। वो कैसे? वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा आप दोनों को करना पड़ेगा। आप करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों आनंद? ठीक है, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्लीज गो अहेड। हेलो। हेलो मिस्टर बैरिस्टर, मैं एक जज्बाती सलाहकार बोल रहा हूँ, यानी इमोशनल एडवाइजर। You are in trouble, Mr. Barrister. What? आपकी पत्नी आजकल एक नौजवान और आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़के के साथ रोमांस कर रही है। Don't talk nonsense. वक्त नहीं रहा हुजूर, अर्ज कर रहा हूँ, आप चाहे तो शाम को 4 बजे अपनी आंखों से नेशनल गार्डन में देख सकते हैं। बैरिस्टर साहब आगे शुरू हो जाइए। नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर गई हो, मेरी पीठ पीछे ये तमाशा कर रही हो। देखो हवस के नशे में तुम ये भी भूल गई कि तुम बैरिस्टर अविनाश कुमार की बीवी हो। शर्म आनी चाहिए तुम, मेरे दोस्त के लड़के के साथ मुंह खड़ा कर रही हो। क्यों, तुम्हें बुरा लगा?
तुम कुछ भी करो तो मुंह उजला है, मैंने कुछ किया तो मुंह काला हो गया। तुम जो कर रहे हो वो ठीक है और मैंने किया तो गलत है। हाँ हाँ गलत है। मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मगर आज मुझे तुमसे जवाब चाहिए। इस सबूत के बाद कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा? मगर मेरे पास है जवाब इसका। क्या? तलाक, डाइवोर्स, अंडरस्टैंड? अविनाश! चीखो मत, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं अभी तलाक के कागजात तैयार करवाता हूँ और मैं चाहूंगा बगैर कोई तमाशा किए तुम उन पर दस्तखत कर दो। मैं कहती हूँ अविनाश, तुम अब मुझे अविनाश और तुम कहने का कोई अधिकार नहीं तुम्हें। सब कुछ तुम्हारे कहने और चाहने से नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम उस कमीनी मुनमुन के लिए तलाक ले रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे मात नहीं खाऊंगी। मैं भी औरत हूँ। और मैं भी आदमी हूँ, आदमी ही नहीं कानूनी आदमी। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अदालत में खींच के ले जाऊंगा और वहाँ फैसला होगा दुनिया के सामने। अदालत हो या दुनिया, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। और मैं तुमसे तलाक लेके ही रहूंगा, दूसरी शादी भी करूंगा। हेलो मैडम। तुम क्या करने आए हो यहाँ? मेरा सर्वनाश कर दिया तुमने और तुम्हारी जज्बाती सलाह ने। चली जाओ यहाँ से। मिसेस कुमार, जरा शांति से काम लीजिए। मुझे अफसोस है, मेरा एक पासा कुछ गलत पड़ गया, लेकिन डैमेज! तुम्हारे उसी पासे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो लड़की मेरे गले का फंदा बन गई। घबराइए मत मिसेस कुमार, मैं कुछ और तरकीब निकालता हूँ। तरकीब के बच्चे, अब मुझे तुम्हारी तरकीबों की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगी, समझे? चले जाओ यहाँ से। ऐसे क्या मतलब क्या लड़ी फूल? वजह है कि आप बार बार बिना पूछे चली आती हैं? आज उसी वजह को खत्म करने आई हूँ। क्या क्या खत्म करेंगे आप? सब कुछ, आज और अभी। उन्हें मेरा घर उजाड़ा है, मेरे प्यार पर डाका डाला है। तू कलंकिनी है, बदजात है, पाप की औलाद है। पाप की औलाद? इसलिए कि मेरी माँ ने पैदा होते ही मुझे पाप समझकर फेंक दिया? पाप की औलाद इसलिए कि मुझे मेरी माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया? समाज की नजरों में मुझे मेरे बाप का नाम नहीं दिया? कलंकनी मैं नहीं, वो माँ है जिसने मेरे साथ अत्याचार किया। अगर साहस है तो जाकर उस माँ की आत्मा को धिकारिए जिसने अपने पाप को मेरी जिंदगी का कलंक बना दिया। मुझे क्या लेना देना है उस माँ से? मुझे तो तुझसे हिसाब चुकाना है। ओ, पिस्टल, आप चला पाएंगी इसे? क्यों क्यों नहीं चला पाऊंगी? आज जैसी बुजदिल औरत के हाथ में पिस्टल देख के हंसी आती है। औरत के हक पर जब हमला होता है तो हर औरत हिम्मत वाली हो जाती है। आज के लिए कितनी बार मारेंगे आप मुझे? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कमीनी, जितना चाहे मार लीजिए, मैं तो अपना हाथ भी नहीं उठा सकती। मेरे सामने जबान चलाती है कमीनी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, बदतमीज।
रेडी सर। थैंक यू। मैं कहता हूं दस्तखत कर दो। नहीं अविनाश, नहीं, भगवान के लिए ऐसा ना करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मैं तुमसे कैसे कहूं? अब तुम्हारे पास कहने के लिए रह क्या गया है? बहुत कुछ कहना है। हमेशा इस बात से दुखी थे कि इस घर में औलाद का चिराग नहीं रोशन हो सकता। चिराग रोशन हो सकता है, यहां भी फूल खिल सकते हैं, खुशियां महक सकती हैं, अगर अगर तुम मेरी गुजरी हुई जिंदगी के एक हादसे को माफ कर सको अविनाश। माफ? अब ये कौन सी नई चाल है? ये चाल नहीं, सच्चाई है, एक बोझ है जिसके नीचे हमेशा मेरी आत्मा तड़पती रही। कई बार सोचा तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर नहीं बता सकी। आखिर मैं औरत हूं, कमजोर हूं, डरती रही कि ये सच्चाई बताकर कहीं तुम्हें खो ना बैठूं। जो तुम्हें खोना था वो तुम खो चुकी हो कुंती, लेकिन जो मैंने अब पाया है उसे खोना नहीं चाहती। शादी से पहले अनजाने में एक भूल हुई थी मुझसे, मुनमुन उसी भूल की संतान है, मैं उसकी माँ हूँ, मुनमुन मेरी बेटी है और तुम मेरे पति। ठहरो कुंती, हाथ में कलम पकड़कर लकीरें खींच देने से क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? नहीं कुंती, नहीं। इस घर में चिराग जलाने के बाद कहां जा रही हो? तुमने तो आज मुनमुन को बेटी माना है, मगर हमने तो उसी दिन मान लिया था जिस दिन हमें सच्चाई का पता चला था। कुंती, हमने तुमसे प्यार किया है और जो चीज तुम्हारी है वो हमारी भी है। नहीं कुंती, महान तो तुम हो गई हो इस सच्चाई को स्वीकार करके। चलो कुंती, अपनी बच्ची से मिले। मुन्नुन, मेरी बच्ची।
जॉब इज ओवर ब्रदर। अरे सुरेश आओ भाई आओ। हाय, आई एम सॉरी भाभी, ये बैरिस्टर का बच्चा मेरा लंदन का दोस्त है, हम साथ साथ वकालत पढ़ा करते थे, इसने मुझे ये जज्बाती सलाहकार के चक्कर में डाल दिया। अरे यार, अरे मुमिन वो कहाँ है तुम्हारा, भी जलगुन के कबाब हो गया। मैं यहाँ हूँ। वैसे कबाब तो मैं जरूर बन गया था, मगर कबाब में हड्डी आप बन गए थे। अरे